इंदौर अब स्वच्छता के साथ साथ कई नवाचारों के जरिए अपनी पहचान प्रदेश के सामने पेश कर रहा है और इसी तरह शहर के विधानसभा 5 में खेल संकुल और वाटर रिचार्जिंग को लेकर पहल की गई ताकि प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर सके। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। वैभव नगर की खुली भूमि पर 8,50,00,000 की लागत से बनने वाले प्रस्तावित खेल संकुल स्थल का विधायक महेंद्र हार्डिया, आयुक्त प्रतिभा पाल, वैभव नगर एक्सटेंशन के नागरिकों द्वारा निरीक्षण किया गया। यहां पर खुली भूमि पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंतर्गत स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, टेनिस हॉल और अन्य स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही अतिक्रमण से मुक्त कराई जमीन पर कम्युनिटी हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। इस मौके पर विधायक महेंद्र हार्डिया ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के संदेश अनुसार खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया जा रहा है ताकि विधानसभा 5 के खिलाड़ियों को खेलों के क्षेत्र में भी आगे मौका मिल सके। आयुक्त महोदय के साथ में आया था यहाँ पे और इस विधानसभा में इतना बड़ा कोई मैदान नहीं है जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार एक खेल संकुल बन सके। तो मैंने दिलीप भाई को, माननीय आयुक्त महोदय को ये दिखाया है, उनको भी अच्छा लगा है। तो 7-8 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट नगर निगम बना दी है, साथ में कम्युनिटी हॉल भी है। तो इस क्षेत्र की कम से कम 3-4 वार्ड के बच्चे, महिला, पुरुष स्विमिंग पूल का भी आनंद लेंगे, बैडमिंटन का भी लेंगे, क्रिकेट का भी लेंगे, सारे सुविधा हम इनको दे देंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी प्रयास ये दिया, इनने प्रॉमिस किया 30 जून तक कर देंगे हमारा। जब तक 30 जून तक नहीं किया अन्य, तो मैं मैडम को निवेदन करूंगा इनका काम रोक दूं। वहीं निरीक्षण के दौरान मौजूद रही निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि खेल संकुल के संचालन संधारण के लिए भी समिति का गठन करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर लोगों को जागरूक किया और कहा कि स्वच्छता के साथ साथ जनता इस काम में भी दिल खोलकर आगे आए। और आज यहाँ के सभी जागरूक नागरिक वैभव नगर के इकट्ठा हुए हैं, दिलीप भाई हैं उनका नेतृत्व करते हुए। तो इसमें सभी लोगों ने आज ये तय किया कि बारिश से पहले 20 से 30 जून के बीच में सभी लोग अपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग 100% लगा लेंगे और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर भी पानी बचाने की कोई ना कोई व्यवस्था सभी जगह करेंगे। मैम कितना ओवरऑल अगर हम अचीव कर पाए, क्योंकि 100% केवल अभी एक ही जगह हुआ है, कहीं 80 कहीं 90%, पहले चरण में हमारा टारगेट कितना है? पहले चरण के लिए जो हम लोगों ने टारगेट रखा है वो 1,00,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट का है, जो अभी तक लगभग 25,000 पूरे शहर में लग चुकी है। अब चूंकि वातावरण बनने में समय लगता है तो अब वो काम हो चुका है। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाले समय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट हर दिन बड़ी संख्या में बढ़े। आज वैभव नगर निवासी संघ ने एक अपने लिए खेल संकुल का जो जगह आरक्षित है उसके संबंध में माननीय विधायक जी से, दिलीप भाई से बात की थी और फिर इसमें यह तय किया गया कि जो खेल संकुल के लिए जगह आरक्षित है वो विधानसभा नंबर 5 का जो हम लोगों ने व्यवस्था की है बजट में कि प्रत्येक विधानसभा में एक खेल संकुल बनाया जाएगा। और उसका उद्देश्य है कि विधानसभा के जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए जगह रहे, चूँकि शहरों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है। इस बात पर इस बार फोकस किया गया है नगर निगम के बजट में। तो यहाँ ये खेल संकुल बनाया जा रहा है। इस खेल संकुल का जो DPR है वो तैयार कर लिया गया है और DPR के बाद हम लोग टेंडर की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। साथ ही चूंकि ये एक तरीके से पूरा अगर हम लोग देखें तो संकुल ऐसा दिख रहा है जिसमें आसपास के रहवासियों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। सामने की तरफ एक गार्डन है, इधर खेल संकुल बनेगा, उस तरफ एक कम्युनिटी हॉल का भी प्रपोजल है, उसको भी बनाएगा निगम। तो इस तरीके से ये जगह ऐसी तैयार होगी जहाँ पर रहवासियों की जो कम्युनिटी की जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी लोग एक साथ कर सकेंगे। निगमायुक्त की अपील पर वैभव नगर रहवासी संघ ने संकल्प लिया कि 30 जून तक पूरे क्षेत्र के घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।